श्रीमद्भागवत का महात्म्य देखा। अब श्रीमद्भागवत का प्रथम स्कंद है। भागवत के ये जो प्रथम के 3-4 श्लोक हैं, इन श्लोकों में हमारा पूरा आध्यात्मिक साहित्य छिपा हुआ है। श्रीमद् भागवत जो भावात्मिक चिंतन करते हैं, जो लोग थोड़ा सात्विक अंतःकरण से परम तत्व का विचार करते हैं, उनके लिए भागवत शब्द जो है, भागवत का वैसे अर्थ होता है भगवान से संबंधित, भक्त से संबंधित, भगवान का कहा हुआ, भक्त का कहा हुआ, वो सब भागवत के अंतर्गत। चिंतन की विधा में भागवत के ये 4 अक्षर हैं, भ, ग, व और त। भा से अभिप्राय है भासमान। भासमान का अर्थ होता है जो दिखलाई दे रहा हो, जो भासित हो रहा हो, इंद्रियों के माध्यम से जिसको देखा जा सके उसको भास मान कहते हैं, भासित हो रहा है। अर्थात एक शब्द होता है मुझे दिखलाई दे रहा है। भास शब्द का अर्थ होता है कि मुझे ये कुछ भास रहा है, कुछ है, लेकिन ये क्या है इसके संबंध में थोड़ा संशय है। भासमान का अर्थ होता है कि वो वस्तु वैसी है नहीं जैसी दिखलाई दे रही। मोटे तौर पर भासने का अर्थ यही है कि वस्तु का वैसा ना होना जैसी वो दिखलाई दे रही। जैसे संसार मुझे भास रहा है, इसका अर्थ है कि ये नज़र तो कुछ आ रहा है लेकिन ये ऐसा है नहीं जैसा मुझे नज़र आ रहा है, इसकी तह में कुछ और, वास्तविकता कुछ और, लेकिन भास रहा है ये किसी और तरह से, वस्तु कोई और है, अपने आप को दिखला किसी और तरह से रही। वहाँ पर शब्द भासना, भासमान होना, भासित होना या भासित करना, भासने का शब्द वहाँ पर ही इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ हो तो सही, हम कहते हैं ये अमुक उस जैसा है, वैसा भास रहा है जैसा वो है, अर्थात कुछ और हो और नज़र किसी और तरह से आए, ये भास शब्द का अर्थ है। ग का अर्थ होता है गत्यति, गतिमान, जो चला जाए, जो ठहरे नहीं, आए और चला जाए। गतिमान अर्थात जिसने रहना नहीं है, जो भास तो रहा है लेकिन जाने वाला है, ऐसा थोड़े मोटे तौर पर आप इसको समझ। तो गतिमान से अर्थ होता है जिसमें गति हो, जाने वाला हो। वह शब्द का मतलब होता है विलीन हो जाना, किसी में मिल जाना, उसका विलय हो गया उसमें, वो उसी में लीन हो गया, ये वह शब्द से अर्थ है। और त से अभिप्राय होता है तत्, जैसे तत् सत, आप एक ओम बोलते हैं ओम तत् सत, तत् शब्द का अर्थ होता है, बस मोटे तौर पर आप ब्रह्म के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं,
ऐसा आप मान लो। आगे इस शब्द की व्याख्या भी आएगी, फिर इसको ठीक ढंग से और ज़्यादा विस्तार से समझ लेंगे। लेकिन तत् का अर्थ होता है तत्व, तत् का अर्थ होता है, वैसे बोलने में संस्कृत भाषा में तत् का अर्थ होता है वह, वो जो कहीं हो वह, उसको तत् कह लेते हैं। वह अर्थात वह क्या, जिसको हम सब ढूंढ रहे हैं वो, ऐसा इसका अर्थ हो जाए। जब केवल तत् भी हम कहेंगे तो उसका अर्थ है वो जिसको हम सब चाहते, जिसके मिलने पर ही हमें शांति होगी, उससे पहले कभी हमारी जो तृष्णाएँ हैं, जो हमारी वासनाएँ हैं, उनकी पूर्ति नहीं होगी। उसी के वो का अर्थ है कि वो अगर मिल जाए तो सब काम बन जाए। तो तत् शब्द का अर्थ वो या ब्रह्म या तत्व या स्थाई परमानेंट ना मिटने वाला, ऐसा आप ले सकते हैं। भागवत, भा का मतलब भाष्यमान, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं तो चीज़ें भासती हैं, नज़र आती हैं, दिखलाई देती हैं, हम व्यवहार में आते हैं। जिस समय हमारी इंद्रियों का विषयों से संपर्क होता है इसको जागृत अवस्था कहते हैं। तो जागृत अवस्था का मतलब भासमान से, क्योंकि बिना जागृत के भासमान नहीं होगा कुछ। जो कुछ भी आपको भासेगा, जो कुछ भी आपको दिखलाई देगा, वो जागृत अवस्था में ही दिखलाई देगा, जिस समय आप जाग रहे हैं। गा का मतलब है गतिमान, जो आके चला जाए, इसका अर्थ है स्वपन, आया भी और गया, था भी और नहीं भी था। जिस समय हम स्वपन देख रहे होते हैं उस समय ऐसा नहीं लगता कि ये स्वपन है, उस समय वो ठीक लगता है। जब आँख खुल जाती है तो होता कुछ नहीं, इसलिए उसको ना झूठ कह सकते हैं ना सही कह सकते हैं। स्वपन को झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय हम स्वपन की अवस्था में होते हैं उस समय तो वो लगता है शत प्रतिशत कि ठीक ही है, सब हो ही रहा। अगर वो उस समय हमें लगे कि ये गलत है तो फिर स्वपन का प्रभाव हमारे पर नहीं होना चाहिए। हम पर स्वपन का प्रभाव होता है, स्वपन में डर भी जाते हैं, स्वपन में रोने भी लग जाते हैं, स्वपन में हंसने भी लग जाते हैं, कुछ भी उसका प्रभाव होता है। स्वपन का प्रभाव सभी के अनुभव में कभी ना कभी अवश्य आया होगा, तो लेकिन आँख खुलते ही वो नहीं होता। इसलिए स्वपन को ना तो सत्य कहते हैं और ना ही असत्य कहते हैं, वो था भी और नहीं भी था। जब तक थे हम गफलत में तब तक वो था, जब होश आया तो वो भी नहीं रहा। तो उसको गतिमान स्वपन। वासि विलीन का मतलब निद्रा, जब सो जाते हैं, विलय हो जाता है सब इंद्रियों का, अंतःकरण का अज्ञान में विलय, तो उसको व शब्द से कहा गया वलीयते, वलीन हो जाना, मिल जाना किसी में। और त का अर्थ है तत्व, जो वैसे का वैसा ही रहे, अर्थात आप जाग रहे हों या सो रहे हों या स्वप्न देख रहे हों, आत्मा ज्यों का त्यों ही रहता है, वो ना सोता है ना जागता है ना स्वप्न देखता है, वो इनका आधार है। अगर इस बात को ठीक से हम समझ जाएं तो बहुत सारा आध्यात्मिक जो सफ़र है हमारा वो तय हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद उसकी अनुभूति की बात होती है। पहली बात तो है कि उसको हम सात्विक बुद्धि से समझ जाएं। तो तत्व जो है, तत्व का मतलब आत्मा ले लो आप, अपने तक रखेंगे अगर इस बात को, तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों के तीनों जो अवस्थाएं हैं उनका संबंध इस शरीर से है, उनका संबंध अंतःकरण से है, आत्मा से नहीं। अर्थात बदलते रहना स्वभाव शरीर का है, और शास्त्र में शरीर को ही संसार कहा गया है।
संसार और शरीर में कोई अंतर नहीं है, संसार नहीं है तो शरीर भी नहीं, अगर शरीर नहीं है तो संसार भी नहीं। समाधि में इस शरीर का भान नहीं होता तो संसार का भान भी नहीं होता, निद्रा में इस शरीर का भान नहीं होता तो संसार का भान भी नहीं होता। पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार में जब आत्मा का ही आत्मा से मिलन हो, ये शरीर पीछे छूट जाते हैं, उस समय शरीर बीच में नहीं आता। तो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में जो एक जैसा रहे उसका वर्णन जिस भी ग्रंथ में हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत का अर्थ हुआ वो तत्व जो भासमान, गतिमान, वलीन, इन तीनों अवस्थाओं में वैसे का वैसे रहे, उस तत्व का वर्णन, उसकी व्याख्या, उसका चिंतन, उसके गीत जिस भी ग्रंथ में गाए जाएंगे उसको भागवत कहेंगे। तत्व की दृष्टि से जैसे ये अवस्थाएं आती जाती हैं, हम सो गए हैं, जाग रहे हैं, लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों, उसकी झलक से ही उस पर ये सब, वो अधिष्ठान है, वो इन सब का प्रकाशिक है। अगर वो ना हो तो हमें इनका पता ही ना लगे कि अब कौन सी अवस्था आई और कौन सी गई। अवस्थाओं का संबंध अंतःकरण से होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से होता है, तत्व से इसका कोई संबंध नहीं। तो जिसमें तत्व का अनुरूपण हो, तत्व का चिंतन हो, तत्व के गीत हों, उसको भागवत ग्रंथ कहते हैं। उसका नाम हुआ भागवत, जो हर अवस्था में रहे, अर्थात दुनिया रहे या ना रहे, जागृत, जिसको हम जागृत कहते हैं, इसको समष्टि की दृष्टि से, पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से इसको संसार की उत्पत्ति कहते हैं। संसार की उत्पत्ति होती है, संसार की स्थिति होती है, फिर संसार का विलय हो जाता है। आपने पहले श्लोक में ये बात देखी थी कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, वो जो सच्चित आनंद है, इस विश्व की उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसके विलय का वही कारण, उसी से ही संसार की उत्पत्ति है, उसी से संसार की स्थिति है, उसी से इस संसार का विलय। और वो न उसकी ना उत्पत्ति है, ना उसका स्थिति है, ना उसका विलय है, वो तो एक रस है ज्यों का त्यों, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, स्वयं उत्पत्ति रहित इस संसार की उत्पत्ति का हेतु, स्वयं विलय विनाश के रहित इस संसार के विलय का वो हेतु। जिस बात को हम पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से उत्पत्ति, स्थिति और विलय कहते हैं, वैयक्तिक दृष्टि से, अपनी दृष्टि से उसे हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कहते हैं। जागृत का मतलब उत्पत्ति, हो गया संसार शुरू, संसार की उत्पत्ति हो गई, आप जाग पड़े तो सब संसार शुरू हो गया, चाचा, मामा, ताया, भाई, भतीजा, घर बाहर, मैं, वो, ये तब तक ही है जब हम आंख खुल गई, जाग गए तो सब कुछ है, और फिर जब सो गए तो ये कुछ भी नहीं, विलय, उसी को प्रलय कहते हैं, विनाश है, पूरे के पूरे का विनाश। तो सो जाने पर ये सब कुछ नहीं रहता, जो हम जागे तो संसार की उत्पत्ति हो गई, और जिस दिन मन होगा कि नई उत्पत्ति करनी, उस दिन सोए रहेंगे, कोई जरूरी थोड़े है कि हर रोज उठें और उत्पत्ति करते रहें, किसी ना किसी दिन अपने आनंद से सो जाएंगे तो सो जाएंगे, जिन्होंने करनी हो उत्पत्ति वो उठते रहें, वो रोते रहें कि क्यों नहीं जाग रहा, लेकिन बात यह है कि वो जाग जुग नहीं, अपनी मस्ती में है, वो सो रहा है, क्योंकि उसके करने वाला जो, जगाने वाला जो असली तत्व है वो कहीं नहीं गया, वो ज्यों का त्यों है, जब फिर चाहेगा फिर उसका उत्पत्ति होगी, फिर विलय होगा, फिर स्थिति होगी। तो ये क्रम, ये लीला तो चलते ही रहेगी, लेकिन इसको जब हम सत्य मान लें, अपने जागने को जब हमने सत्तावान मान लिया, अर्थात मानना ये है कि अपनी सत्ता से हम सत्तावान नहीं, वो जो चौथा शब्द ता आपने देखा था, तत्,
वो तत्व के कारण ही हम जागते हैं, तत्व के कारण ही हम सोते हैं, तत्व के कारण ही हम स्वप्न देखते हैं। तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है, वो नहीं कहीं भी आता जाता। वो पूर्ण है, भरपूर है, सत्तावान है, वो चित्त है, वो आनंद है। उसके लिए जितने शब्द मर्जी आप उनका प्रयोग करते चले जाओ। तो इसलिए जो जो कुछ, एक बात ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो कुछ ईश्वर कर सकता है वो आप भी कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हो वो ईश्वर नहीं कर सकता। वो झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। ये काम हमारे एडिशनल हैं, ईश्वर से थोड़ा आगे निकल गए कि हमने कुछ ऐसे काम शुरू कर लिए जो वो नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं। अर्थात माया को सत्य मान लेना, उसी में ये सारी बातें आएंगी। अगर माया को माया ही मानोगे तो फिर ये कुछ भी नहीं। ईश्वर के लिए माया सत्य नहीं है, माया माया ही है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उस तत्व को जो ता था उसको तो छोड़ दिया, जागृत को स्वप्न को सच मान लिया, बस यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई और कोई बात नहीं। सत्य तो केवल वो तत्व ही है, वो चौथा जो आपने वर्ण लिया था त भा ग व, हमने इन तीन को सत्य मान लिया और त को भूल गए, छोड़ दिया, जिसकी वजह से सब हैं। और जिसके मन में वो ता वाली बात रहती है, तत्व की बात रहती है, आत्मा की बात रहती है, उसके लिए ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये केवल एक विलास मात्र है। इसको आत्मा का विलास कहते हैं, आत्मा की खेल कहते हैं, आत्मा का दिल बहलाने का एक काम है आत्मा का, आनंद लेता है इसमें, क्योंकि वही मधुर है। मधुर उसी के लिए शब्द मधुर भी आया, और वो मधुर जो है बस वो उसकी इसमें मधुरता है, जागने में, सोने में, सपने में, वो हर एक काम में अपनी लीला को देख रहा है, ऐसा हम शुरू में कह सकते हैं। और जब आप अपने आप को एक तत्व के रूप में जान लेंगे, पहचान लेंगे और मान लेंगे, तो उस समय ये बाकी सब बातें रहेंगी ही नहीं। फिर उस समय आपका पूरे का पूरा ब्रह्मांड आपका अपना शरीर ही बन जाएगा। ये विराट शरीर का निरूपण अभी इसी स्कंद में करें, जिसमें हमें उनका भगवान के विराट और सूक्ष्म, ये दूसरा स्कंद भागवत का भगवान के दोनों रूपों से। इसी संदर्भ में एक बात आप और ध्यान में रख लें, ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ ये पूरे भागवत में फैली हुई है, पूरे भागवत का विस्तार। पहले स्कंद से लेकर 12वें तक हम पढ़ते जाएं तो बाद में बात यही निकलेगी, अलग अलग ढंग से, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग स्कंदों में इस बात को दोहराया गया है, लेकिन बात वही की वही है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको उसका सार, जो उसका तत्व है सारे भागवत का, वो ही पहले बतलाकर फिर उसकी कथा भी, जो आपको संक्षेप में पूरी कथा भी सुना देता हूँ कि ये इस कथा से इसका ये संबंध है। एक बात ये आप ध्यान में रखेंगे कि ईश्वर ने जब भी दुनिया बनाई थी, उसने बड़ी चीज़ें बनाई, बनाते बनाते अंत में जब उसने मनुष्य बना लिया, तो इसमें उसको तसल्ली कि उसने अपने अनुरूप अपने जैसी कोई चीज़ बना ली, इससे ज़्यादा आगे वो किसी को और बना नहीं पाया, इससे अधिक पूर्ण और किसी में नहीं। इसी का अर्थ ये है कि जो जो कुछ ईश्वर है वो सब कुछ आप भी हैं। उतने अगर ईश्वर के स्तर पर हम संसार की उत्पत्ति स्थिति और विलय देखते हैं, तो अपने स्तर पर आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति का चिंतन करें, इसको इसी का विस्तार कर दें जागृत का, तो सृष्टि बन जाएगी। अगर इस जागृत का विस्तार नहीं तो आप अपने घर तक सीमित हैं, अपने परिवार तक सीमित, लेकिन इसका जिस समय विस्तार किया उन्होंने, जैसे जो बड़े बड़े संत हुए, महात्मा बुद्ध ने इसका विस्तार किया,
उसके लिए पूरी सृष्टि उसकी अपनी है, कोई ऐसा नहीं है कि वो एक परिवार तक सीमित रह गए हों। तो जैसे ईश्वर जो क्रिएट करता है, बनाता है, वो सब आप भी बना लेते। ईश्वर ने ये सब अपने संकल्प से बनाया। भागवत के पांचवें स्कंद में स्कल्प संकल्प की बड़ी व्याख्या है और संकल्प के महत्व को बतलाया गया है कि जो सद संकल्प होते हैं वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, और अगर हमारे कोई दुष संकल्प हों तो वो हमें बहुत ऊंचाइयों से भी गहराई में गिरा देते हैं। संकल्प से ही हम महान बनते हैं, संकल्प से ही आप ब्रह्म बन जाते हैं, अहम ब्रह्मोस्मि, और संकल्प से ही हम दीन से दीन, हीन से हीन, क्षुद्र से क्षुद्र बन जाते हैं। केवल हम ही नहीं, पूरा राष्ट्र, जिस राष्ट्र ने बहुत उन्नति की, उनके संकल्प, संकल्प का मतलब दृढ़ विचार, सुंदर विचार, ऐसा आप थोड़ी देर के लिए समझें कि वो जो विचारों की महानता है वही महान बनाती है किसी को, चीज़ें महान नहीं बनाती, और विचारों की नीचता ही व्यक्ति को नीच बना देती है। भले ही उसके पास कितना कुछ हो, लेकिन उसके अगर विचार नीच किस्म के हैं तो वो नीच ही रहे। इसलिए इसको संकल्प की शक्ति कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में इस शक्ति को संकल्प शक्ति कह दिया गया है। तो ईश्वर में जो जो अगर उसने संकल्प से दुनिया बनाई है तो हम भी अपने संकल्प से ही बनाते हैं। ये आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, ये किसी ना किसी के संकल्प का परिणाम। ये शुरू में किसी के मन में ये बात आई कि ऐसे करें, ऐसा हो, फिर वो साकार हो गया। अगर वो मन में ही नहीं आता तो वो कभी, पहले वो आपके मन में एक इच्छा के रूप में आता है, इच्छा फिर कामना बन जाती, कामना से रति बनती, रति से विचार बनते, विचार की दृढ़ता को संकल्प कहते। पहले उठती है जैसे छोटी सी तरंग उठी, फिर वो फैलते फैलते बड़ी बनती ही चली जाती। ऐसे ही कुछ इन विचारों का, संकल्पों का आपस में संबंध है। हम जो कुछ भी हैं अपने संकल्प के कारण, आज भी यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, सब अपने अपने संकल्प के कारण। अगर ये संकल्प ना होता, ये जरूरी नहीं कि वो आपका ही संकल्प, किसी न किसी का ये संकल्प है कि हम इस रूप में यहाँ बैठकर इस तरह से चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ईश्वर सब अपने संकल्प से करता है, और देखो करने वाले जो भी आगे हों, अगर उनको आप पूछो कि इसमें आपने क्या क्या किया, वो कहते हैं कुछ हाथ पैर तो हमने हिलाए थे, बाकी ये सब हो रहा है अपने आप, वो मिल गया था कुदरती, दूसरा मिल गया, वो टकरा गया, एक सहायता अपने आप होती चली। अर्थात सत संकल्प हो, सद संकल्प हो, तो फिर वो सत जिसको हम कहते हैं, तत जिसको हम कहते हैं, वो क्योंकि सत का ही आशक है, उसको सत से ही प्रेम है। जो ही आपके मन में सत संकल्प आता है तो वो स्वयं सहायता के लिए किसी न किसी को प्रेरणा देता है, वो किसी न किसी रूप में सहायता कर देता है और हमारे संकल्प पूरे हो जाते हैं। यही सिद्धांत है, इसकी बहुत ठीक तरह से व्याख्या पांचवें स्कंद में है, भागवत के पांचवें स्कंद का। अभी आप इतना देखें कि हम इस भागवत ग्रंथ में जिसको परम सत्ता कह रहे हैं, परम सत्ता क्या, वही जिसको तत्व कहा या जिसको त कह दिया, भागवत, तीन अवस्थाओं को छोड़कर जो चौथी त वाली बात कह रहे हैं कि वो ही मूल है, वो ही तत्व है, वो क्योंकि चेतन है। चेतन का मतलब है कि वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को अभिव्यक्त ना कर सके, चेतन होने के नाते वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। सत्य है, चित है, आनंद है, ये तीन शब्द हैं उसके लिए। इन तीनों शब्दों को अगर शास्त्र की भाषा में कहोगे, उपनिषदों की भाषा में कहोगे, तो ब्रह्म कहते हैं।
और इन तीनों ही शब्दों को भक्ति की भाषा में कहेंगे तो मधुर कहते हैं। मधुर, मधुर का अर्थ भी यही होता है। जब आप ये कहते हो ना चलितम मधुरम, वलितम मधुरम, हसितम मधुरम, हर चीज़ के साथ मधुर लगा रहे हो, तो इसका अर्थ है वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। जिस चीज़ के साथ मधुर लगाओगे, मधुर की व्याख्या करोगे, तो फिर सत्य चित्त आनंद ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सत्य नहीं होगा तो किसी तरह से आप उसका अनुभव ही नहीं कर पाओगे, और चित्त नहीं होगा तो आप उसको जान नहीं पाओगे, आनंद नहीं अनुभव कर पाओगे। इसलिए भक्ति की भाषा में जिसको मधुर कहते हैं, उपनिषद की भाषा में उसी को ही ब्रह्म कहते हैं, पुराणों की भाषा में उसे सच्चिदानंद कहते हैं, दर्शन शास्त्र की भाषा में उसे सत्य कहते हैं। अगर हम फिलॉसफी की लैंग्वेज को लेंगे, दर्शन शास्त्र की भाषा बोलेंगे, तो उसको सत्य कह लेते हैं। सत्य में ही ये सब समाया हुआ है। जो सत्य नहीं होगा वो मधुर भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और जो मधुर होगा वो सत्य जरूर होगा, ये निश्चित बात। इसलिए अनुभूति की दृष्टि से उसका नाम कुछ और रहेगा, चिंतन की दृष्टि से उसका नाम कुछ और रहेगा, आराधना के लिए हम उसका नाम कुछ और रख लेंगे, और प्रेम के लिए हम उसका नाम कुछ और रख लेंगे। जितनी जितनी हमारी वृत्तियाँ हैं, प्रत्येक वृत्ति की तुष्टि के लिए उसका कोई ना कोई नाम है और कोई ना कोई रूप है, लेकिन तत्व तो एक ही है वो एक ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन हैं, लेकिन इनका करने वाला एक ही है। उसी की वजह से ये तीनों अवस्थाएं आती हैं, कभी सो गए, कभी उठ बैठे, कभी स्वप्न देख लिया, कभी कुछ किया, क्योंकि ये सब कुछ करना चेतनता की निशानी, चेतन ही ये सब कर सकता है। जड़ तो एक जैसा ही रहेगा, उसमें अवस्थाएं नहीं आएंगी। तो चेतन इनको इसलिए करता है रस की निष्पत्ति के लिए, कि इससे हमें रस में ईश्वर या तत् या सत या भगवान, जो भी उसके अलग अलग क्षेत्रों में नाम हैं, उसके तीन रूप हैं, और उन तीनों रूपों का वर्णन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में है। एक तो है वो तत्व के रूप, तत् का मतलब होता है कि वो निर्गुण है और निराकार, उसका आकार भी कोई नहीं और उसमें गुण भी कोई नहीं, उसमें कोई गुण नहीं, ना चलने का, ना फिरने का, ना हंसने का, ना बोलने का, ना रजोगुण, ना तमोगुण, ना सतोगुण, और उसका आकार भी कोई नहीं, उसकी शक्ल सूरत भी कोई नहीं। जैसे एक शब्द हमने बोला ब्रह्म, ब्रह्म कहने पर कुछ चिंतन में आप बात ला सकते, लेकिन ब्रह्म की कोई शक्ल सूरत नहीं बना पाओगे आंखों के सामने। ब्रह्म कहने पर कौन क्या समझता है, ये तो गुरु और शिष्य के बीच की बात है। जहाँ पर बैठकर उपनिषद चिंतन होता है, जहाँ पर बैठकर गुरु अपने पूरी तन्मयता से सत्य का व्याख्यान अपने शिष्य के सामने करता है, उसकी अनुभूति के लिए, उसकी उन्नति के लिए, वहाँ पर ब्रह्म शब्द से कुछ ना कुछ समझेंगे, लेकिन बस वो जो समझेंगे वही उसको समझेंगे, उसको आगे कुछ समझा दे या दिखला दे ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है और निराकार। शब्दों के माध्यम से हम गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, गुण हो तो हम उसकी व्याख्या करें, आकार हो तो हम उसकी व्याख्या करें, उसकी शक्ल सूरत हो तो हम कहें कि वो इतने फुट ऊंचा है, इतने फुट लंबा है, को गोरे रंग का है, सांवला है, कैसा है, और उसमें ये गुण हैं। लेकिन जिसमें कोई गुण भी नहीं और आकार भी नहीं, अर्थात वो गुणातीत है, आकारातीत है, वो सर्वव्यापक होने, सब जगह जो कुछ भी जहाँ तक आपकी अकल काम कर सकती है, वो सब उसी की परिधि में, उसी में ही समाया हुआ है, वो उससे भी आगे है, उससे भी परे।
हर एक में रहता हुआ वो स्वयं किसी में भी नहीं है, ये उसकी एक विशेषता है। तो निर्गुण निराकार का मतलब होता है जिसमें ना कोई गुण ना कोई आकार। दूसरा उसका रूप है सगुण निराकार, उसमें गुण तो हैं लेकिन आकार शक्ल सूरत कोई नहीं। गुण तो हैं, उसकी शक्ल सूरत कोई नहीं, उसको ईश्वर कहते हैं। जहाँ निर्गुण निराकार शब्द आएगा वहाँ उसको ब्रह्म कहेंगे, और जहाँ उसमें आकार नहीं गुण आएंगे उसको परमात्मा कह लेते हैं। वो परमात्मा है, परमात्मा में गुण हैं, उसकी शक्ल सूरत कोई नहीं। हम बोलते हुए कहते हैं कि ये सब परमात्मा की मर्जी, जो परमात्मा ने किया ये परमात्मा करवा रहा है, उसकी ऐसी इच्छा थी तो ये हो गया। ये बात जब हम कहते हैं तो उस समय किसी की शक्ल सूरत सामने नहीं होती कि वो कौन है जो करवा रहा है, लेकिन गुण उसके मन में होते हैं कि वो सर्वशक्तिमान, और उस वो किस घड़ी क्या करवा दे इसको कोई दूसरा जान नहीं सकता, लेकिन वो जो करता है वो ठीक करता है। ये बातें हमारे संस्कारों में बैठी हुई कि जहाँ भी हमारी अकल काम नहीं करेगी, जहाँ भी हम अपनी अकल को नहीं पहुँचा सकते, वहाँ पर हम हाथ जोड़कर परमात्मा पर छोड़ देते हैं कि ये उसने किया, अब ये वही जाने कि ये क्या है और ये क्यों। तो इसको कहते हैं कि उसमें गुण तो हैं कुछ करने का कुछ मिटाने का, लेकिन उसकी रूपरेखा कोई नहीं। तीसरा उसका रूप होता है सगुण साकार, उसमें गुण भी हैं और उसकी शक्ल सूरत भी है। जिसके गुण भी हों और शक्ल सूरत भी हो उसको हम शास्त्रों में भगवान कह लेते हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, 24 के 24 अवतारों के साथ आप भगवान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जिसमें गुण भी हैं और शक्ल सूरत भी है उसको सगुण साकार, और जिसमें कोई शक्ल सूरत नहीं केवल गुण हैं उसको सगुण निराकार, और जिसमें ना कोई शक्ल सूरत और ना ही वो कोई गुणों के प्रभाव में है, हमेशा एक जैसा रहता है, उसको ब्रह्म कह लेते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन मुख्य शब्द आए हमारे सामने उस परम तत्व को समझने के लिए। भगवान की उपासना होती है, आराधना होती है, धीरे धीरे भगवान से उठकर केवल उसके गुणों में चले जाते हैं, शक्ल सूरत को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक किसी एक शक्ल सूरत से बंधे रहेंगे, जब तक किसी एक आकार के साथ हम जुड़े रहेंगे तब तक हम पूरे विश्व के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि हमारे लिए वो सबसे बड़ा रहेगा, उसी वही मुख्य रहेगा। धीरे धीरे उसके गुण हर जगह देखने शुरू कर देता है व्यक्ति, और फिर अंततः गुणाती स्वयं भी उन गुणों का परित्याग कर ब्रह्म में ही विशालता, इतनी विशालता आ जानी कि किसी तरह की हिल, किसी भी तरह का उतार चढ़ाव जीवन में रहे ही ना, केवल आनंद की स्थिति ही रह जाए तो उसको ब्रह्म कह लेते। तो ये जैसे तीन रूप परमात्मा के हैं, परम सत्ता के हैं, तीन रूप उस तत्व के हैं, वो तीनों ही रूप हमारे भी। जब हम सो जाते हैं तो निर्गुण निराकार, सोते ही ना तो आप में कोई गुण रहा ना आपका कोई आकार रहा कि मेरी शक्ल सूरत कैसी है, मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ या बूढ़ा हूँ, या मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ या पारसी हूँ। सोते ही ये सब खत्म हो, हमारा ही नहीं, अगर हमारे बीच में कोई पशु भी सो रहा होगा, कोई गाय भी आके बैठ जाए, कुत्ता भी बैठ जाए, कोई कौवा भी आके बैठ जाए, कई बार सफर में जाते हैं यात्राओं पर तो
तो ऐसी ऐसी जगह पर रहना पड़ता है कि वहाँ सो गए, सुबह उठे तो देखा कि 2-3 कुत्ते भी साथ में सोए हुए, उठते ही फिर मैं अलग और वो अलग, वो अलग हो जाते। लेकिन जब सो रहे थे तो निर्गुण निराहा, केवल आनंद की ही स्थिति थी और कोई स्थिति नहीं थी। स्त्री पुरुष का भेद नहीं था, बच्चे और बूढ़े का भेद नहीं था। जो हमारा मन है ये सगुण निराकार, मन का आकार कोई नहीं लेकिन इसमें गुण सारे ही, मन ही सब कुछ करता है। मन पर ही सारा हमारा आध्यात्मिक साहित्य मन की व्याख्या में ही लगा हुआ है कि मन को पवित्र कैसे करें, मन को ऐसे करें, मन को वैसे करें, मेरे मन में ये आया, मेरे मन ने यूं किया। लेकिन अगर किसी से पूछो कि वो मन है कैसा जिसमें ये सब आया, तो फिर कोई बतला नहीं पाए, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत कोई नहीं, उसका आकार कोई नहीं कि मन कितना बड़ा है, छोटा सा है, बड़ा सा है, दरमियाना सा है, 1 फुट का है, 1 इंच का है, क्या है मन। तो इसको कहते हैं कि उसमें गुण तो सभी, रजोगुण भी है उसमें, तमोगुण भी है उसमें, सत्वगुण भी है उसमें, लेकिन उसका आकार कोई नहीं। इसलिए वो मन भी अकेला बहुत कुछ कर सकता है। जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न पूरे का पूरा मन का ही वैभव, आपकी ये इंद्रियां उस समय नहीं होती, आपके ये आँख नाक कान ये नहीं होते, बंद होते हैं तब, लेकिन मन एक नई सृष्टि की रचना कर लेता है, पूरा संसार बना लेता है वो। और उसमें हजारों कुंभ का मेला भी देखना हो, कुंभ का अगर पर्व भी देखना हो, तो मन कुंभ पूरा बना लेगा, लाखों आदमी उसमें हो जाएंगे, गंगा जी भी बन जाएगी, नहाते हुए लोग भी मिलेंगे, संत भी मिलेंगे, स्वयं भी नहाते हुए मिलोगे, ये सब मन का विस्तार। और मन है कितना सा, क्या उसकी शक्ल सूरत है, ये कोई नहीं आपको बतला पाएगा, ना ही आप उसको, क्योंकि ये सारे के सारे विषय ध्यान के और चिंतन के, भाव चिंतन और ध्यान, उसमें इनकी अनुभूतियाँ होती। तो मन के स्तर पर आप भी जैसे परमात्मा है, परमात्मा क्या है, सगुण है निराकार, मन के स्तर पर जब आप आएंगे तो आप सगुण हैं और निराकार। और फिर भगवान के स्तर पर जब आओ तो भगवान क्या है, भगवान सगुण भी है साकार भी, भगवान की शक्ल सूरत भी है और उनमें गुण भी है। तो वो आप शरीर सहित, अपने इस शरीर सहित फिर आप सगुण साकार, आपका नाम भी है, आपका रूप भी है, आपका अपना कुछ निजित्व भी है, निजीपन भी है, इंडिविजुअलिटी भी है आपकी, ये सब कुछ उसी स्तर। जैसे भगवान के स्तर पर भगवान कृष्ण और हैं और भगवान श्री राम और हैं, उन दोनों की कोई बात आपस में मिलेगी नहीं, एक मर्यादाओं का मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरे लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं का काम ही नहीं वहाँ कोई भी। तो जब ये अलग हो जाएंगे, जब भी सगुण साकार में आएंगे, और इसीलिए सगुण साकार के मानने वाले, फिर कृष्ण के कई रूप होंगे, कई संप्रदाय हैं, कोई कृष्ण की बाल रूप में उपासना कर रहे हैं, कोई उनकी किसी रूप में उपासना कर रहे हैं, कोई किसी रूप, कोई वात्सल्य भाव वाले हैं, कोई सख्य भाव वाले हैं, कोई कांत भाव वाले हैं, कोई सखी संप्रदाय है तो कोई संप्रदाय है, ये कृष्ण के भी अलग अलग। जब ही हम सगुण साकार की बात करेंगे तो आपस में बट जाएं, सगुण साकार की पूजा में ही विभाजन है कि ये राम के पुजारी हैं, ये कृष्ण के पुजारी हैं, ये हनुमान जी के पुजारी हैं, ये दुर्गा माता के पुजारी हैं, ये काली माता के पुजारी हैं, ये उनके बटते चले जाएं। और अगर आकार हटा दिए जाएं, शक्ल सूरत ना रहे, गुण हो जाएं, तो उसको निराकार की उपासना कहते हैं। कबीर की उपासना, गुरु नानक देव की उपासना, जितने भी निर्गुणीय संत हुए। मधुरम मधुरम मधुरम।
मधुरम मधुरम।